नमस्कार, सर्वलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते हैं विशेष खबर। उत्तर प्रदेश सरकार की श्रमिकों के लिए जो पहल किया गया है वह काफी काबिलियत तारीफ है। इस वैश्विक महामारी में हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, उसको साकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष ट्रेन से गाड़ी संख्या 0115 जो सलेम तमिलनाडु से चलकर अकबरपुर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। श्रमिक सुपरफास्ट ट्रेन में कुल 604 यात्री सवार थे। इस दौरान मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंचने के उपरांत सभी यात्रियों को एक एक करके कर्मवार ट्रेन से उतारते हुए पानी की बोतल, बिस्किट एवं बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराते हुए सभी को बसों में बिठाकर सुरक्षित बसों से एकलव्य स्टेडियम ले जाया गया। इसके उपरांत सभी यात्रियों को भोजन कराया गया। साथ ही साथ इन सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग जाँच कराने के उपरांत इन्हें इनके गंतव्य के लिए बसों में बिठा कर रवाना किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के लिए आ रही है, मेरे पीछे जस्ट वो ट्रेन आ रही है। आप सभी दर्शकों में दिखाना चाहता हूँ, वो ट्रेन पहुँच चुकी है जो बेसब्री से लोगों का इंतजार था इस ट्रेनों के लिए। जनपद में ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन सरकार द्वारा चलाई गई है, यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ के लोगों, जो ट्रेन में आए हुए लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने गांव पहुँचकर, अपने घर पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। कैमरा पर्सन लाल जी चतुर्वेदी के साथ अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।